हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे उपाड़ियों जिसमें पापड़ी, बटाका और ये विलायती इमली है। तो पहले हम मिर्ची को कूट लेंगे, फिर उस कूटी हुई मिर्ची को हम लोग इसमें उपाड़ियों के अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लहसुन डालेंगे, नमक डालेंगे, के बाद में थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर बाद में अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे उसको। बराबर उबाड़ी को मिक्स होने के बाद हम डालेंगे मटके के अंदर। मटके के अंदर अच्छे से पूरा भर देना है उबाड़ियों को। फिर उसके बाद में उसे फॉइल पेपर से अच्छे से पैक कर देना है कि अंदर से एयर बाहर ना निकले। एकदम अच्छे से पैक हो गया है। उसके बाद में हमें लकड़ी या घास लेना है। मेरे पास लकड़ी नहीं था, घास था, इसलिए मैं घास के ऊपर ही बनाऊंगा इसको। तो हल्का सा थोड़ा नीचे रख देना है। फिर उसके बाद हमें मटके को रखना है इसी घास के ऊपर, उल्टा करके रखना है। और उसके बाद हमें फिर से घास उठा के लाना है और अभी मटके के ऊपर डालना है पूरा घास उठा के। उसके बाद हमें माचिस से या लाइटर से आग को जला लेना है। मेरे पास माचिस नहीं है इसलिए मैं लाइटर से जला रहा हूँ। आग जल गई है अच्छे से। फिर आग को सब तरफ से एक जैसा जला देना है। अब आग अच्छे से जलने लग गई है, मतलब मटके के अंदर उबाड़ियों बनना चालू हो गया है। और बीच बीच में ऐसा घास डालते रहना है 15-20 मिनट तक। आग को बुझने नहीं देना है, कंटिन्यू घास को डालते रहना है। अभी बराबर आधे घंटे होने के बाद हम मटके पे से पूरा हम घास को हटा देंगे जो जल गया है। उसके बाद कपड़े से मटके को साफ कर लेते हैं, पूरी राख लगी है मटके के ऊपर। और कपड़े से मटके को हम वहां से निकाल लेते हैं आग में से, और सीधा करके अभी हम ढक्कन खोलेंगे इसका। ये खुल गया उबाड़ियों का ढक्कन, आप देख सकते हो कैसा बन के तैयार हो गया है, एकदम गर्म है। इसे एक तगारे में निकाल लेते हैं। बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया है, सिर्फ 15 ही मिनट लगे, 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो गया। मटके को अच्छे से पूरा के पूरा खाली कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे लेके प्लेट में उबाड़ियों बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसको लेके टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। एकदम टेस्टी बना, एक नंबर।